पिछले एपिसोड में त्रिवेणी संगम तट गए, अक्षय वट का सुंदर दर्शन हुआ और फोर्ट देखे। इस एपिसोड में हम लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे, फिर मन कामेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, उसके बाद महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी जाएंगे। बड़े हनुमान जी के पास पहुंच चुके हैं, प्रसाद वगैरह अगर लेना हो तो बाहर से ले सकते हैं। इन्हें कोई बड़े हनुमान जी बोलते हैं तो कोई लेटे हुए हनुमान जी या फिर किला वाले हनुमान जी। अभी मैं आपको मंदिर के बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये जो सामने ग्रिल देख रहे हैं, इसी के अंदर लोग लाइन लगाते हैं अंदर जाकर दर्शन करने के लिए। मंगलवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है और लोग ध्वजा यहाँ पे गाड़ते हैं। ध्वजा मतलब बांस में झंडा लगा के उसको स्थापित करना। अभी मंदिर के प्रांगण के अंदर आ चुके हैं। यहाँ सब कुछ देखने वाले हैं, जो भी भगवान हैं सबका दर्शन करेंगे। यहाँ 2400 घंटे भगवान श्री राम का और हनुमान जी का कीर्तन होते रहता है। माना जाता है कि लंका विजय के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो वो माता सीता और भगवान राम से कहकर यहाँ विश्राम किया और लेट गए। उसके बाद उनकी यहाँ पर लेटे हुए आकृति बन गई, फिर यहाँ पे बाद में मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है और ये दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। ये जो मंदिर है यही है बड़े हनुमान जी का, तो चलिए अंदर जाके हम लोग दर्शन करते हैं। मंदिर खुलने की जो टाइमिंग है वो है सुबह के 5 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। दोपहर के 2 बजे से 4:30 बजे तक बंद रहता है आरती और श्रृंगार के लिए, फिर 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है दर्शन करने के लिए, और मंगलवार को वो 9 की जगह 10:30 बजे बंद होता है। अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अभी वो सामने जो है बजरंगबली दिखाता हूं आपको। यही है बड़े हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। आप लोग भी इनका दर्शन कीजिए। ये प्रतिमा धरातल से 7 फीट नीचे है। कहते हैं कि जब जब इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई, ये नीचे की तरफ धंसते चले गए। ये पूरा चमत्कार ही है, इसके बाद इनको यहाँ से किसी ने भी नहीं हटाया। ये मंदिर का निकास द्वार है। बाहर निकल करके आरती और सिंदूर रखा गया है, आरती लेकर के टीका लगाने के लिए। यह मंदिर संगम तट पर स्थित है। जब आप संगम पे आएंगे तो आपको बड़े हनुमान जी और अक्षय वट इन सबका दर्शन हो जाएगा। प्रांगण में सुंदर सा पीपल के पेड़ के नीचे गंगा माता की प्रतिमा है। तो बजरंगबली का दर्शन बहुत बढ़िया से हो चुका है हम लोगों को। अब राम जानकी मंदिर में जा रहे हैं जो कि यही बगल में है, तो वहां भी आप लोगों को ले चलता हूं। दर्शन करते हैं राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान और बजरंग बली का। इसी मंदिर के लेफ्ट साइड में अखंड ज्योति आरती जलते हुए देखने को मिल जाता है। ये हमेशा यहाँ जलते रहता है। इसी मंदिर के प्रांगण में एक मंदिर खड़े बजरंग बली का भी है, इनका भी दर्शन करते हैं। और आगे साथ में माता दुर्गा की प्रतिमा भी है। मंदिर कैंपस में एक हवन कुंड भी है, यहाँ हवन होते रहता है। हवन कुंड के आगे एक शालिग्राम शिवलिंग भी है। इसी कुंड के बगल में भगवान राम और बजरंगबली का भजन होते रहता है। थोड़ा भजन का भी आनंद लेते हैं। देखिए हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि जहाँ जो सिद्धि हो उनकी शरणागत में रह के तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अरे राम जी के साथ यदि हनुमान नहीं होते, राम जी के पूरे कभी इतनी भीड़ मंगलवार के दिन का है। यहाँ अंदर में कैमरा तो अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश किया पूरा वीडियो बनाने की, और बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ हर भगवान का। यहाँ पे जो भी मंदिर है सब में गए और सब में हम लोगों ने दर्शन किया और आप लोगों को भी दर्शन कराया।
इस निकास द्वार से बाहर निकलकर अब सीधे चलते हैं मनकामेश्वर महादेव मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। यह है मंदिर का मुख्य द्वार, इससे अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र है। कैंपस में आते ही सामने एक सुंदर सा पीपल का पेड़ देखने को मिल जाता है। यही वो मंदिर है जिसमें मनकामेश्वर महादेव हैं। इस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम खुद किए थे। कहते हैं कि वनवास के समय भगवान श्री राम प्रयाग आए थे और यहाँ गंगा स्नान के बाद शिव स्तुति करना चाहा, लेकिन आसपास कोई शिव मंदिर ना होने के कारण उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की। मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करते हैं। इस मंदिर के पीछे सरस्वती घाट भी है, वहां जाकर आप लोग कुछ देर बैठ सकते हैं। मंदिर 4:30 बजे खुल जाता है और 4:30 बजे से 5 बजे तक आरती होती है। रात को 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन सावन में ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। ये है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। कहते हैं कि इनका दर्शन करने से इंसान ऋण मुक्त हो जाता है। यहाँ और जितने भी मंदिर हैं उनमें भी जाकर दर्शन करते हैं। मंदिर में ले जाने के लिए फूल प्रसाद आपको बाहर में मिल जाएगा। यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद अब सीधे चलते हैं ऋषि भारद्वाज आश्रम। ये आश्रम जाने का मुख्य द्वार है। इस गेट से अंदर एंट्री करने के बाद 2-3 मिनट लगता है पैदल आश्रम तक पहुंचने में। बिल्कुल सीधे चलना है। सामने जो लाल रंग का मंदिर दिख रहा है वही है आश्रम। इससे पहले माँ अनसुईया मंदिर है रास्ते में, उनका दर्शन करते हुए आश्रम चलते हैं। आश्रम पहुंच चुके हैं, ऊपर चलकर देखते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। ये गेट पे नंदी महाराज मिल जाते हैं क्योंकि शिवलिंग है मंदिर के अंदर। जिस मंदिर में मैं अभी खड़ा हूँ ये है भारद्वाज ऋषि का आश्रम। इसी आश्रम में भगवान श्री राम आए हुए थे और एक दिन विश्राम किए थे। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आए थे यहाँ, तो यहाँ एक दिन रुकने के बाद भारद्वाज ऋषि ने ही उनको चित्रकूट जाने का रास्ता बताया था। ये प्रतिमा भारद्वाज ऋषि की है। ये शिवलिंग भारद्वाज ऋषि के द्वारा ही स्थापित की गई है। जैसा शिवलिंग उस समय थे वैसा आज भी है। इस कैंपस में जो मंदिर है उसमें भगवान है ही, उसके अलावा ऋषि मुनियों के भी मंदिर है यहाँ। यहाँ दर्शन करने के बाद अब चलते हैं व्यास मुनि के मंदिर। ये व्यास मुनि है, ये कौन है? अनुपम कुमार। यहाँ एक ही दो पुरुष पुजारी देखने को मिले, बाकी के मंदिरों में महिलाएं ही थी पुजारी। एक भरत कुंड है यहाँ। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भरत कुंड के पास यज्ञ किया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आगे चलकर देखते हैं और भी मंदिरों को। इस मंदिर के अंदर भारद्वाज ऋषि के गुरु स्थापित हैं। इस मंदिर के बगल में एक मंदिर है जिसमें अत्रि मुनि और सती अनसुईया हैं। ये मंदिर सप्तऋषियों को समर्पित है। यही वो मंदिर है जिसमें भरत कुंड है, जहां भगवान श्री राम यज्ञ किए थे। यहां तो दर्शन हो चुका है अच्छे से। पास में ही एक सिद्ध पीठ है जो रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा स्थापित की गई है, यहां भी दर्शन कर लेते हैं।
जहाँ ये आश्रम है भारद्वाज ऋषि का, यहीं पर आनंद भवन भी है इंदिरा गांधी जी का। रोड के एक साइड आनंद भवन है, दूसरे साइड आश्रम है। यहाँ आ गए हैं तो आनंद भवन भी जा कर के घूमेंगे और उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जो भी शक्तिपीठ है यहाँ, वहाँ जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे।